हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एमजी स्टार एजुकेशन में। फ्रेंड्स, आरआरबी मुंबई जोन से टेक्नीशियन स्टूडेंट के लिए बड़ी अपडेट आ रही है, और ये जो अपडेट आ रही है वो वेस्टर्न रेलवे से मुंबई डिवीजन वाले स्टूडेंट के लिए आ रही है, जिनका ज्वाइनिंग लेटर है वो आ गया है। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक देखेगा, पूरी अपडेट दूंगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने और कहाँ रिपोर्टिंग करनी है पूरी जानकारी दूंगा। और जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पल पल की न्यूज मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो है पश्चिम रेलवे से आया हुआ जो है ज्वाइनिंग लेटर है, प्रबंधक कार्यालय मुंबई सेंट्रल महाराष्ट्र, और 24/2/2020 को आ गया था ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे रिक्रूटमेंट इन ग्रुप सी पोस्ट सर्विस एस अप्रेंटिस टेक्नीशियन ग्रेड 3, और जो स्केल है इनका 5200 से 20200, और ग्रेड पे 1900 है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट BCT डिवीजन। यहाँ पे फ्रेंड्स पहले पैराग्राफ के अंदर बताया गया है कि जो है यू आर हियर बाय ऑफर द अपॉइंटमेंट एज अप्रेंटिस टेक्नीशियन ग्रेड 3 इन स्केल लेवल इतने से इतना ग्रेड पे, और इस टाइम पे इनको जो है 19,900 पर मंथ प्लस अदर अलाउंस और DNS अलाउंस भी दिया जाएगा, इसकी जानकारी दी गई है। साथ ही के अंदर जो है पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर बताया गया कि इनका जो अपॉइंटमेंट जो है द अपॉइंटमेंट इन प्रोविजनल एंड द सब्जेक्ट टू द कास्ट ट्राइब सर्टिफिकेट been verified to the proper channel and the verification reveals that the claim to below the schedule caste and schedule tribe, यानी जो कास्ट सर्टिफिकेट का प्रॉपर वेरिफिकेशन किया जाएगा, ऐसा दूसरे पैराग्राफ में बताया गया है। साथ ही में तीसरे पैराग्राफ में ऐसा बताया गया, आप जो है रेलवे के नियम के विरुद्ध कोई भी काम करते हैं तो आपको जो है 14 दिन के एक नोटिस देकर आपको हटाया जा सकता है। साथ ही में जो है यहाँ पे पाँचवें पैराग्राफ में बताया गया कि आपका जो है ट्रांसफ़र वेस्टर्न रेलवे के किसी भी स्टेशन पर किया जा सकता है। साथ ही में जो है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ऑर्थ दिलाई जाएगी, जो पैराग्राफ नंबर 6 के अंदर बताया गया है। और यहाँ पे जो है आपको सारे रेलवे के नियम के रूल और रेगुलेशन को पालन करना होगा, वो यहाँ पे बताया गया है पैराग्राफ नंबर 7 के अंदर। और वहीं अगर आपको कोई भी जानकारी नहीं मिली हो, कोई भी क्वेरी हो, तो पैराग्राफ नंबर 8 के अंदर जो यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया, जो आप मंडे से फ्राइडे तक 10 से 5:30 बजे तक कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। साथ ही में जो पैराग्राफ नंबर 9 के अंदर जो डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया, आपको जो है ओरिजिनल मेट्रिकुलर सर्टिफिकेट यानी 10th के सर्टिफिकेट लेके जानी है, और जो है आपको उसके अंदर जो है वेरिफिकेशन होएगा आपका डेथ एंड बर्थ का कास्ट सर्टिफिकेट, और इसके बाद SC ST OBC वाला सर्टिफिकेट लेके जाना है। साथ ही में आपको जो है 10 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर जाना है, और उसके बाद आपका बैंक का पासबुक एंड एक आपको कैंसिल चेक भी लेकर जाना है। साथ ही में पैन कार्ड, आधार कार्ड और सारे जो डॉक्यूमेंट की जेरोक्स भी आपको लेकर जानी है, जो यहाँ पर मेंशन की गई है। और इसी के साथ जो है आपको यहाँ पे बताया गया कि पैराग्राफ नंबर 12 के अंदर अगर रेलवे को ज़रूरत पड़ती है तो आपका जो टेरिटोरियल आर्मी और रेलवे इंजीनियरिंग सर्विस में भी जो है आपसे वर्क कराया जा सकता है, जो यहाँ पे मेंशन किया गया है। साथ ही में जो आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आएगा जो इस फाइल के अंदर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके अंदर आपको 500 रुपये की जो है फ्रैंकलिंग करानी रहेगी, और आपको जो है यहाँ पे मेंशन किए गए एड्रेस जो है आपको रिपोर्ट करना रहेगा, असिस्टेंट पर्सनल ऑफिस डिविजन ऑफिस मुंबई सेंट्रल वेस्टर्न रेलवे फॉर ऑफर द अपॉइंटमेंट एज अप्रेंटिस टेक्नीशियन ग्रेड 3, या इस ऑफिस के अंदर जो है आपको रिपोर्ट करना रहेगा। तो फ्रेंड्स, ये जो है ऊपर की जानकारी थी, जिसके अंदर इसके अंदर जो है आपको जो फाइल मैंने आपको टेलीग्राम में शेयर करी, जिसके अंदर आपके अटेस्टेशन फॉर्म का 3 सेट होंगे, कैरेक्टर सर्टिफिकेट का 1 और एग्रीमेंट ऑफ सर्विस जिसका 1 सेट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टूडेंट के नाम मेंशन किए गए, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है स्टूडेंट का नाम दिया गया, रोल नंबर, कौन सा इनको यूनिट दिया गया वो यहाँ पे मेंशन किया गया, TRD TRS ऐसा जो भी यूनिट दिया गया वो, और इनकी जो रिपोर्टिंग वो 11 मार्च 2020 को इनको 10:30 बजे रिपोर्ट करना है। साथ ही में देख सकते हैं ये 28 कैंडिडेट है, उसके बाद जो है नीचे ये TRS यूनिट वालों का है, जिनको जो है 12 तारीख को रिपोर्ट करना है 10:30 बजे, इनकी भी संख्या कुल 28 है। और जो है नीचे आप देख सकते हैं EMU यूनिट के, जिनको 13 तारीख को जो है रिपोर्ट करना रहेगा, और इनकी संख्या भी कुल जो है 28 है। साथ ही में जो है एक और EMU यूनिट वाले कैंडिडेट है, जिनकी संख्या कुल 21 है, यानी टोटल जो है 105 कैंडिडेट को 11 से 16 तारीख के बीच के अंदर जो है रिपोर्टिंग करना है। साथ ही में यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे जो है फॉर्म के बारे में बताया गया, अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है सारे इसके अंदर मेंशन किए गए इस फाइल के अंदर, और ये फाइल जो है मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भेज दी है।
तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो है एमजी स्टार एजुकेशन का टेलीग्राम ग्रुप है, इसके अंदर मैंने ये फाइल भेज दी है। आप भी अपना नाम मिला लीजिएगा जिनका भी जो ज्वाइनिंग लेटर आया है, और साथ ही में जो स्टूडेंट को मैसेज के माध्यम से भी जानकारी दी गई है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मैसेज के माध्यम से भी जानकारी आई हुई है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं स्टूडेंट को जो है मैसेज के माध्यम से भी जानकारी दी गई है, ये जो है आज 1:01 पर ही आ गया था। आप देख सकते हैं यू आर सिलेक्ट एज टेक्नीशियन Grade 3 इन मुंबई डिवीजन वेस्टर्न रेलवे, योर कॉल लेटर कैन बी व्यू, यानी इनको जो है लिंक दे दी गई थी, जो लिंक मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिए वो लिंक से जो है आप अपना जो है कॉल लेटर देख सकते हैं। साथ ही में जो इनको रिपोर्ट करना था वो बताया कि 11/3/2020 को साढ़े जो है आपको 10 बजे गोंजी हॉल DRM ऑफिस मुंबई सेंट्रल पर रिपोर्ट करना रहेगा। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी अपडेट RRB मुंबई जोन से। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज मुंबई जोन से जो भी न्यूज़ आती है वो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में बताता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।